देखो, आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब किसी न किसी ने, सभी ने एक एक मोटिव रखा होगा अपने अंदर कि हाँ, मतलब कि हमने ये टेस्ट करना है, या चलो ये नहीं तो ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ, आप में से कोई भी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जो अपनी फैमिली से परिपूर्ण नहीं है, है ना। आपके पीछे पेरेंट्स का बैकअप है, आपके पीछे आपकी फैमिली का बैकअप है ना। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली तंग हैं, है ना। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अब पता क्या होता है, जहां पे परिपूर्णता होती है ना, वहां पे एक बोलते हैं इसकी समाज में बड़ी इज्जत होती है ना, ये सारी चीजें परिपूर्ण हैं भाई, इनके घर में सब कुछ है। लेकिन पता क्या है, अगर ये परिपूर्णता किसी तरह से खराब हो जाए, सुपोज आपके घर में हर चीज अच्छी है, आपकी बहुत इज्जत है, आपको बहुत मानते हैं, आपके परिवार को लोग बहुत मानते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप लोग सक्सेस नहीं हो पाते हो, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, लोगों में एक एग्जाम्पल है कि यार वो वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, वहां पे जाके तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, आप पे भी, आपकी फैमिली पे भी। इस चीज को साइकोलॉजी की भाषा में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में भी इसको बोला जा सकता है। अगर आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, सुना है, या सभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो चलो इसको ना मैं बताता हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट यानी कि एक एक्टिविटी की गई। एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, उसको बोला गया कि एक स्विमिंग पूल तैयार कर, एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल तैयार कर, ठीक है, टाइल्स से बना उसको एक अच्छा सा स्विमिंग पूल। उसने एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लेकिन उस पूल के अंदर क्या हुआ कि एक जगह पे, एक हिस्से में जानबूझकर एक टाइल नहीं लगाई गई, एक टाइल नहीं लगाई गई, पूल को साफ पानी से भर दिया गया, बहुत अच्छे से सजाया गया, फिर लोगों को बुलाया गया कि आओ देखो हमने पूल तैयार किया, इस पूल को देखो कैसा लगता है। लोग आए, सभी ने देखा, सभी ने तारीफ की, लेकिन तारीफ के साथ साथ सभी ने क्या किया, जाते जाते एक बात बोली कि अगर उस हिस्से में टाइल होती तो बहुत बढ़िया होता। तो 999 टाइलें मिलके वो काम नहीं कर सकी जो एक मिसिंग टाइल ने किया। तो बोलने का अर्थ क्या है मेरा यहां पे, कि आपके पास कितनी भी परिपूर्णता हो, आप कितने भी समर्थ हो, लेकिन अगर एक कमी आपके अंदर होगी ना, एक कमी, तो दुनिया उस परिपूर्णता को, उस सामर्थ्य को, उस सारी चीजों को भूल जाएगी। क्या करेंगे वो, उस एक कमी को खरोचेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपके घर में जो भी है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, आप कितने भी सामर्थ्य हो, लेकिन इस मिसिंग टाइल की तरह मत बनना, क्योंकि 999 आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और एक आपका वीक पॉइंट, वो आपको क्या करेगा, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में रखेगा। तो तैयारी कर रहे हो, दुनिया को पता है, घर वालों को पता है, ठीक है ना, तो उसको सिंसियरली करो, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूं, एक और बात पे आता हूं। देखो, जिन्होंने बुराई करनी है ना, वो बुराई करेंगे, वो कभी अच्छी बात बोल ही नहीं सकते, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अब कोई मेरे बारे में चार बातें बुरी बोल रहा है, कोई बात मेरे बारे में दो बातें बुरी बोल रहा है, ठीक है। अगर इन चीजों को भी मैं सोचने लगा, ठीक है, तो बेचारे वो क्या करेंगे, ठीक है। लेट देम थिंक, लेट देम डू, लेकिन आपने किस चीज पे फोकस रखना है, जो मैंने ये बताया कि वो एक टाइल का हिस्सा नहीं बनना है जो मिसिंग है, ठीक है। लेट पीपल स्पीक, क्योंकि उनका काम है। लोग भी तीन कैटेगरी के होते हैं, तीन कैटेगरी के, एक होते हैं जो लोगों की बात करते हैं, एक कैटेगरी,
ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ठीक है। तो वो लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, किसी विशेष इंसान की बात करते हैं, और हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में ही नेगेटिव लोग होते हैं। तो पहले तो उनसे बचो। दूसरी चीज, जो उससे थोड़े से बेहतर, थोड़े से बढ़िया होते हैं, वो किसकी बात करते हैं? आइडियाज की। वेरी गुड, दिव्य कृति। ठीक है, वो आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है। और जो उससे भी अच्छे लोग होते हैं, वो करते हैं विचारों की बात, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर चीज पे आपका क्या विचार है, मतलब कि वो हर चीज का निष्कर्ष निकालना जानते हैं। तो पता क्या है, उससे क्या होता है कि इंसान के अंदर ना दार्शनिकता आती है, ठीक है, उसका विजडम खुलता है, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो समय के साथ पता क्या है, आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ अपने एक लेवल तक मत रहो, ठीक है, अपने आप को दार्शनिक बनाओ, हर चीज की नॉलेज रखो। एटलीस्ट मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि दार्शनिकता जो है, जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, वो कहां से आएंगे? जब आपके पास कोई टॉपिक होगा, जब आपके पास मोहल्ले की चार बातें ही होंगी ना, तो कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है ना? तो इसीलिए जब आप तैयारी के फोकस में जा रहे हो, तो आपको जैसे कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, जिस समय वो करंट अफेयर आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके माइंड में क्या होगा, पहले से वो चीज होगी। अगर आपको उस चीज के बारे में और उत्सुकता होगी जानने की, तो आप क्या करोगे, कंसर्न टीचर से और पूछोगे कि सर मैंने इसके बारे में ऐसा पढ़ा था, ठीक है। आप सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुनोगे उसको कि ये पढ़ाया जा रहा है और मैं सुनता जा रहा हूं। तो दार्शनिकता वहां से आती है, जब आपके पास भी कोई पॉइंट होता है आगे से आर्ग्यू करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज के अधीन मत करो कि कोई मेरे को पढ़ाएगा तो मैं वही चीज पढ़ूंगा, है ना। थोड़ी सी दार्शनिकता लाओ अपने अंदर, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट हो, मेरा पूरा फोकस रहता है कि क्या किया जाए, ठीक है। इस हफ्ते वीकली टेस्ट नहीं हो पाया, सैटरडे को, ट्यूजडे को अरेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको स्किप आउट कर देंगे। आपकी जब मेरे को लगेगा जिसका लेवल थोड़ा सा हाई आ गया है, जो प्रेपरेशन में थोड़ा सा ठीक हो गया है, उसको मॉक्स प्रोवाइड करेंगे, फिर वो मॉक्स देगा, ठीक है। कैसे देगा? विद दी टाइमर, टाइमर के साथ, जैसे एग्जाम चलता है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर से रुचि जगाने पड़ेगी पढ़ने के लिए। क्लियर है मेरा पॉइंट? और ये कैसे जगेगी? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी आपने देखे होंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल इन द सेंस में ऐसे नहीं बोल रहा कि जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पाई, सक्सेस मतलब कि जो तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, उनमें एक सबसे बड़ी चीज थी डिसिप्लिन। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क में सीधे चलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब यहां पे ये है कि आपको अपने टेस्ट के रिगार्डिंग एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बोलने का अर्थ ये है कि आपको पता है कि आज मैंने ये पढ़ा है, या आपको पता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ने की आदत डालो, और हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय दो, हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय दो। उसको एक बर्डन बना के तैयार मत कर दो कि अच्छा पिछले 15 दिन का हो गया मेरे लिए पढ़ने के लिए, है ना। तो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में डेली टू डेली एक रूटीन बनाओ, और यही रूटीन आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। सक्सेस का मेरे को पता नहीं, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि सक्सेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। लेकिन अगर आप ये चीज करेंगे तो आप ऑब्वियसली ग्रो करेंगे, ठीक है। सक्सेस तो मेरे को लगता नहीं कि किसी भी इंसान को पूरी जिंदगी मिलती है। अभी एक जगह वो कंप्लीट करता है, फिर वो दूसरे टारगेट के लिए चलता है, फिर वो तीसरे के लिए चलता है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी आपको इतना पता है कि आपको ग्रो करने के लिए एक टेस्ट निकालना है, तो उसके लिए
फोकस करो, ठीक है। बस इतनी सी एडवाइस थी मेरी आपको, बाकी अभी आपका लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, थैंक यू, है ना।